माय डियर व्यूअर, टुडे वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th बायोलॉजी सेकंड टर्म के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में स्टडी करेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रैक्टिकल में आपके दो एक्सपेरिमेंट होगा, एक मेजर होगा, एक माइनर होगा, उसके बाद तीसरा जो होगा वो स्पॉटिंग होगा। तो आज हम मेजर एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। जो हमारा मेजर एक्सपेरिमेंट है, ये स्लाइड प्रिपरेशन के फॉर्म में है, स्लाइड प्रिपरेशन के फॉर्म में है। और आपको स्लाइड प्रिपरेशन आना चाहिए, मस्ट है। अगर आप स्लाइड प्रिपरेशन नहीं जान रहे हैं तो सब बेकार है। तो आपको स्लाइड प्रिपरेशन, कैसे स्लाइड बनाई जाती है, आप 12th स्टैंडर्ड पे ही सीख लेंगे, क्योंकि आगे फिर आपको चाहे BSc में जूलॉजी या बॉटनी में स्लाइड आपको प्रिपेयर करना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसके लिए जो नंबर अलॉटेड है वो आपका कितना है, 4 मार्क्स है। और ये आपका स्लाइड प्रिपरेशन के फॉर्म में है। और आपके सिलेबस में केवल एक ही क्वेश्चन है जो 4 नंबर में है, और वो आपका है स्टडी ऑफ माइटोसिस बाई ओनियन रूट टिप। आपको ओनियन रूट टिप को लेकर के माइटोसिस की स्टडी करना है। अब इसके लिए आपको क्या होगा, सबसे पहले मटेरियल आपको प्रोवाइड होगा। जो मटेरियल आपको मिलेगा उसमें ओनियन रूट की आपको टिप मिलेगी, पहला हो गया। उसके बाद दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 प्लेन स्लाइड होना चाहिए। तीसरा आपको कवर स्लिप होना चाहिए। चौथा आपको इस ओनियन रूट टिप में आपको स्टडी करना है, इसकी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के बिहेवियर की। तो क्रोमोसोम को स्टेन करने वाले स्टेन एसिटो क्रेमाइन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आपको या तो स्प्रिट लैंप या तो फिर आपका बर्नर की ज़रूरत पड़ेगी। इतना आपको रिक्वायरमेंट होगा। और अब इसके बाद हमको करना क्या होगा, सबसे पहला जो हम आपको स्टेप वाइज 4 स्टेप में बताने जा रहे हैं कैसे आप स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपको मटेरियल जो होगा वो प्रोवाइड होगा। पहला जो स्टेप होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, एक प्लेन स्लाइड लेकर के आपको जो मटेरियल्स होगा, इस तरह से जो ओनियन रूट टिप होगी, इस तरह से आपका होगा, यहाँ पे डार्केस्ट पोर्शन होगा। इस ओनियन रूट टिप को यहाँ से लेकर के आप इसको किसी भी तरह से, या तो आपके पास ब्लेड होगा या तो फिर आपको फोर्सिप की हेल्प से, नीडल की हेल्प से इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद इस ओनियन रूट टिप को ला करके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। अब प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 1-2 ड्रॉप एसिटो क्रेमाइन सॉल्यूशन को यहाँ पर डिप कर देंगे, डाल देंगे। अब जैसे यहाँ पे हम एसिटो क्रेमाइन सॉल्यूशन को यहाँ पे रख देते हैं, उससे पहले अब क्योंकि ये जो ओनियन रूट टिप है, इसको हमको क्या करना है, स्लाइड में स्लाइड बनाना है, इसलिए इसको निडिल की हेल्प से क्या करेंगे, इसको क्रश कर देंगे इस तरह से, निडिल की हेल्प से, ताकि जब इसको हम दबाएं, प्रेस करें, तो हमारी जो स्लाइड है वो एकदम क्लियर आना चाहिए। अब दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इस कवर स्लिप, इस स्लाइड में जो ये आपके पास मटेरियल है, इसके चारों तरफ आपका क्या है, एसिटो क्रेमाइन है, इसको कवर स्लिप से क्या करते हैं, ढक देते हैं। और ढकने के बाद अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इसके ढकने के बाद पेपर की हेल्प से इसको थंब से क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे। इस तरह से प्रेस करते हैं, इस तरह से लेकर के
कि ये जो आपका क्रस मटेरियल्स होता है उसकी क्या हो एकदम एक्वस या एकदम स्लिम लेयर बन जाए। इसके बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ये जो आपकी स्लाइड है इसको धीरे धीरे क्या करते हैं, आपके बर्नर या स्पिरिट लैम्प की हेल्प से इसको हीट करते हैं। अब चीज एक चीज यहाँ पे रिमार्केबल है, जब आप इसको हीटिंग की प्रोसेस से इन्वॉल्व करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो एसिटोक्रेमाइन है, एसिटोक्रेमाइन ये क्या होना चाहिए, एकदम इवापरेट नहीं होना चाहिए। अगर एकदम इवापरेट हो जाएगा तो मटेरियल क्या होगा, ड्राई अप हो जाएगा। अगर आपको लगता है इवापरेट हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक दो बूंद फिर से एसिटोक्रेमाइन को क्या करेंगे, रख देंगे, इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद फिर ले जा करके इसको, अब आपकी जो स्लाइड होगी वो बन करके तैयार हो गई इस स्टेप से। और यहाँ ले जा करके आप इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे। ये आपका था पहला, विथआउट यूज ऑफ द ग्लिसरीन, ग्लिसरीन के एब्सेंस में आप इस स्लाइड को देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है, प्रोसेस यही होगा। यहां पर क्या करेंगे, पहले स्टेप के तुरंत बाद अब हम क्या करते हैं, इस तरह से भी हम स्लाइड बनाते हैं। इसमें क्या होगा, जो मटेरियल्स होगा उसके चारों तरफ एसिटोक्रेमाइंस को क्या करते हैं, रख देते हैं इसके चारों तरफ, या इस पे हम जब जैसे ही 2 से 3 बूंद एसिटोक्रेमाइन को डालते हैं उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। यहां पर भी आपको ऑब्जर्व करना है, हर हाल में एसिटोक्रेमाइंस जो है वो सूखना नहीं चाहिए। और उसके बाद जब आपको लगता है कि 1-2 बूंद या 3 बूंद बहुत होता है, उससे ज्यादा आपको नहीं करने की जरूरत है। इसके बाद इसको जब आप देखते हैं कि आपका मटेरियल्स जो है वो आपका कलर को ले लिया है, इस अब हीट करने का मतलब क्या होता है कि ये जो स्टेन है वो फुल्ली न्यूक्लियस को कलर कर दे, इसलिए ऐसा किया जाता है। और जब ये आपका 2-3 बार इसको बस हीट के आसपास ले जाते हैं, अब इस स्टेप के बाद अब क्या करते हैं, इस कंडीशन में यहां चारों तरफ यहां पे 2-3 बूंद हम ग्लिसरीन डालते हैं और उसके बाद इसके ऊपर कवर स्लिप रख देते हैं। दिस इज द स्टेप नंबर थर्ड। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, प्रोसेस अब सेम उसी तरह से होती है, विथ द हेल्प ऑफ द थंब, थंब की हेल्प से इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। उससे पहले थंब के साथ साथ इसको चारों तरफ से रैप विथ ए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में रैप करके इस तरह से हम क्या करेंगे, थंब करेंगे। जब इसमें हम थंब के हेल्प से प्रेशर जनरेट करते हैं तो ये जो मटेरियल्स होता है वो क्या होता है, एकदम एक्वस फॉर्म में कह सकते हैं, एकदम स्लिम लेयर में क्या होता है, ये फैल जाता है और एक बहुत पतली फिल्म बन जाती है। अब इसके बाद इस स्लाइड को ले जाकर के माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फार्मिंग, प्रिपेयर द टेम्परेरी माउंट ऑफ ओनियन रूट टिप। इस तरह से अब जब हम इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो चूंकि माइटोसिस की स्टडी करना है तो माइटोसिस की 4 में से आपकी जानते हैं कि माइटोसिस में 4 आपकी स्टेज होती है। पहला आपका हो गया प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, इसके बाद आपका हो गया एनाफेज, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, टेलोफेज। इसमें से कोई ना कोई फेज आपको क्या होगी, दिखाई देगी, एक से ज्यादा फेज हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा जब इस ओनियन रूट टिप को आपको क्या किया गया था, फिक्स किया गया था, उस इस कंडीशन में जो जो स्टेज रही होगी माइटोसिस की वो प्रेजेंट होगी। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें मेटाफेस है तो ऑब्जर्वेशन में आप मेटाफेस के कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, लिख देंगे। इस तरह से आपका ये 4 नंबर का जो मेजर एक्सपेरिमेंट था, दैट इज द एक्सपेरिमेंट नंबर वन, एक्सपेरिमेंट नंबर वन, बस यही एक आपका एक्सपेरिमेंट है 4 नंबर का। और ये एक्सपेरिमेंट अगर कंप्लीट
कोरोना नहीं रहा और ऑफलाइन और सब्जेक्टिव एग्जाम हुए तो प्रैक्टिकल होगा, और अगर प्रैक्टिकल होगा तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा सबको मिलेगा, हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 के हर एक बच्चे को पहला एक्सपेरिमेंट जो होगा यही दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस में बस एक यही है और ये आपको स्लाइड को प्रिपेयर करना है। तो आपको कम से कम जैसे ही आपका स्कूल खुलता है, जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पर जाइएगा, मटेरियल आपके लैब में अवेलेबल होगा, मटेरियल को ले करके ये एक्सपेरिमेंट जरूर कर लीजिएगा। और स्लाइड प्रिपरेशन कैसे टेम्परेरी माउंट करके स्लाइड को प्रिपेयर किया जाता है वो सीख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद फिर जैसे ही आप बीएससी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, स्लाइड प्रिपरेशन के लिए जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई मटेरियल्स, प्लांट मटेरियल, आइदर द एनिमल मटेरियल मिलता है। तो अगर आप प्रोसेस जान रहे होंगे तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से स्लाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए, दूसरे बच्चों तक पहुँचाइए। थैंक यू। आप तो सोए सोए सुना थी।